हे कृष्णा, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एच फॉर मनी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज है समर कैंप का 6th डे और आज हम सभी लोग आए हैं बिठूर धाम बच्चों को टूर पे लेके। तो आज हमें कहाँ है उसके बाद वाल्मीकि आश्रम सीता, हरे कृष्णा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हरे कृष्णा। आप दर्शन कर रहे हैं दक्षिण मुखी हनुमान जी के। कहते हैं यहाँ पे जो भी कामना करो तो पूर्ण होती है। वैसे हम आपको सजेशन देंगे कि आप आध्यात्मिक जगत की अगर कामना करेंगे तो वो टेम्परेरी नहीं होगी, वो परमानेंट होगी और उससे आपको अधिक सुख भी मिलेगा। बाकी चीज़ें तो क्या है, टेम्परेरी होती हैं, क्षणिक होती हैं, उससे ज़्यादा कुछ लाभ होता नहीं है। और यहाँ पर आप सभी लोग दर्शन करिए। इसके बाद यहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो बता रहे हैं यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, लवकुश जन्म स्थान के बारे में। तो बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो हम डिटेल में एक और वीडियो है जो इसी कथा पे है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे प्रभु जी प्रसाद हम रेडी कर रहे हैं, जूस प्रसाद बना रहे हैं। कथा सुनने के बाद, श्लोका रिसाइट करने के बाद सभी बच्चों ने और जितने भी वॉलंटियर्स, माता जी, प्रभु जी, सभी लोगों ने डांस किया और बहुत इंजॉय किया। इसके बाद अब हम सभी लोग चलेंगे वाल्मीकि आश्रम की तरफ। तो हम सभी लोग वाल्मीकि आश्रम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे शंकर जी का टेंपल है और साथ में वाल्मीकि जी हैं। काफ़ी बहुत प्राचीन मंदिर है, तो कभी भी आप आए अगर बिठूर तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन करिए, बड़ी मान्यता है यहाँ की। जी पेड़ किस, पीलू का पेड़ है, इसी के नीचे वाल्मीकि जी ने बैठ के तपस्या किया था, 60,000 वर्ष बैठ के साधना किया था इसी के नीचे। ये वो स्थान है जहाँ पे सीता माता धरती में समा गई थी और ये पाताल कुंड के नाम से जाना जाता है। जिसको भी लगता है कि सीता माता जी अयोध्या में धरती में समाई थी तो ऐसा नहीं है, सीता माता जी वापस आई थी बिठूर। और ये है सीता रसोई, ये बहुत पुराना है, रेनोवेशन नहीं हुआ है, तो जैसा है वैसा ही है। तो अभी यहाँ पे वैसे काम चल रहा है। ये स्वर्ग की सीढ़ी अभी फिलहाल बंद है, तो जब आप इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे तो पूरा बिठूर आपको दिखता है। ये स्थान लवकुश आश्रम है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करिए, इसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं श्री श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की और हनुमान जी के। इसके बाद हमारे इसी के पास में एक टेम्पल है बना हुआ है जिसमें हमारे श्री श्री राधा माधव विराजमान है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब आप दर्शन कर रहे हैं जानकी जी जो कि हमारी सीता मैया हैं और लवकुश के साथ। और जो अभी आप दर्शन करेंगे जो पास में बैठे सीताराम बाबा, तो इनके बारे में एक प्रभु जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, आइए आपको बताते हैं। ये महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान है जहाँ लवकुश यहाँ रहे हैं और माँ जानकी परिहर से यहाँ आई थी और उस समय यहाँ बहुत भीषण जंगल हुआ करता था, यहाँ कभी कोई संत आके टिक नहीं पाता था। मगर ये कलकत्ते से पैदल अकाल पड़ा हुआ था इस क्षेत्र में और ये संत पैदल चलकर कलकत्ते से यहाँ तक की सेवा की, यहाँ जीवन पर्यंत इन्होंने आखिरी सांस। आज का प्रसादम होने वाला है बिठूर में ही लवकुश आश्रम में। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद पाया और आज प्रसाद में नूडल्स था और जूस प्रसाद था। प्रसाद पाने के बाद हम लोगों को आइसक्रीम भी प्रसाद के रूप में खाने को मिली क्योंकि किसी बच्चे का बर्थडे था उसी के उपलक्ष में। तो अभी हम लोग वहाँ से बिठूर धाम से वापस आके इस्कॉन टेम्पल आ गए हैं। आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कर लीजिए क्योंकि आज हमें भगवान पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, वैसे रोज़ सुंदर लगते हैं, आज हमें कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। उन्होंने एकदम वाइट कलर का सारी ड्रेस धारण कर रखी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। हो सकता है आपको वीडियो में इतना ना समझ में आए बट सच्ची में बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे माला सेवा की तरफ। जैसा कि माता जी रोज़ माला सेवा करती हैं तो आज भी वही कर रही हैं। अब जो थोड़ा बहुत सेवा बची हुई है तो वो अभी हम लोगों को फिनिश करना है और बच्चों का अगर कुछ क्राफ्ट छूट रहा है तो वो कंप्लीट करना है क्योंकि कल है फाइनल डे। तो यहाँ पे सब प्रैक्टिस चल रही है, माता जी देखिए नाटक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। अब हम लोग प्रसाद लेंगे फिर घर जाएंगे। यहीं तक था आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।